मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत के पीछे लाडली बहना योजना एक बड़ा फैक्टर रही है। ये बात हाल ही में SBI की तरफ से जारी रिसर्च में सामने आई है। रिसर्च में बताया गया है कि MP में 10,000 से कम मार्जिन वाली सीटों में BJP की जीत का चांस 28% था, लेकिन लाडली बहना इफेक्ट के चलते जीत का चांस 100% हो गया। SBI मुंबई की आर्थिक अनुसंधान विभाग ने ये रिसर्च की है। रिसर्च में लोकसभा 2024 के साथ ही वर्ष 2047 को लेकर भी एक राजनीतिक डेटा पेश किया गया है। रिसर्च में ये भी कहा गया है कि 2014 तक देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को कम आंका जाता था। 2029 के बाद सभी चुनावों में महिला वोटर निर्णायक होंगी। SBI की रिसर्च टीम ने लाडली बहना स्कीम के 32% लाभार्थियों के डेटा के आधार पर शोध किया। रिसर्च में बताया गया है कि लाडली बहना की वजह से MP में 1% वोट भाजपा को जिलेवार बढ़कर मिले। करीबी मुकाबले वाली सीटों पर लाडली बहना योजना का ज्यादा इफेक्ट रहा। रिसर्च के मुताबिक 18 साल से सत्ता में रही भाजपा के प्रति चुनाव से पहले एंटी इनकम्बेंसी थी, पर लाडली बहना स्कीम के चलते ये प्रो इनकम्बेंसी में बदल गया। लाडली बहना का असर ये रहा कि इस बार 2018 की तुलना में 3.67 लाख अधिक महिलाओं ने मतदान किया। अभी प्रदेश में कुल आबादी का 30% लाडली बहनाएं हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस योजना से महिलाओं का स्वास्थ्य और पोषण सुधरेगा। बच्चे उन पर निर्भर होंगे। महिलाएं अपनी प्राथमिकता के अनुसार इस राशि को खर्च कर सकेंगी। जबकि महिलाएं आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र होंगी तो राजनीतिक रूप से स्वतंत्र निर्णय भी ले सकेंगी। SBI के रिसर्च में बताया गया है कि हाल के कुछ सालों में राज्य से लेकर केंद्र सरकार की स्कीम महिलाओं को केंद्रित कर तैयार की जा रही है। 18 राज्यों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत अधिक रहा है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण के बाद ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं। मतगणना से पहले शिवराज सिंह का वो बयान आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि जितने भी काटे थे लाडली बहना ने निकाल दिए। अब इसकी पुष्टि SBI ने भी किया है। संतोष सिंह, दैनिक भास्कर, भोपाल।